Hello everyone, welcome to the channel. I'm Shweta and I make the videos on skincare, makeup and many more. If you are interested in such kind of videos, then please subscribe to my channel. So आज की वीडियो एक नो मेकअप मेकअप लुक होने वाली है जो कि हम अपने डेली रूटीन में वेयर करते हैं. क्या होता है कि डेली बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है हमारे लिए, तो हम जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं जिसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा ऐशी और पैची लगता है. और समटाइम्स क्या होता है, हमारी अंडर आई भी बहुत ग्रे पड़ने लगती है. सो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपका जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस नज़र आएगा और आपका मेकअप कभी भी ऐशी नहीं होगा और कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. भी मेकअप लुक स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, चाहे वो पार्टी लुक हो या आप डेली बेस पे मेकअप कर रहे हो, पर मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन. तो मैंने अपनी स्किन पहले से ही मॉइस्चराइज कर ली है, तो हम सीधा मेकअप करेंगे. आई एम यूजिंग दिस डर्मा पैलेट फॉर दिस लुक. ये बहुत अच्छी है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और वो बहुत नेचुरल लगती है. अगर आप इसकी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, इसकी पूरी नॉलेज चाहते हैं, then do comment below, I will make a separate video for that. So अब हम start करते हैं. जब भी हम अपना daily routine makeup start करते हैं, हम बहुत सारी mistakes करते हैं, बहुत चीज़ें avoid कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि concealing. अगर आपके face पे कहीं पर भी discoloration है तो उसे conceal करना बहुत important होता है. बहुत लोग करते हैं कि direct अपना foundation apply कर लेते हैं और ऐसे ही मेकअप करके चले जाते हैं. फिर क्या होता है, उसे थोड़ी टाइम बाद वो ग्रे पड़ने लगता है, हमारे अंडर आई पूरी क्रीज हो जाती है, पूरा ग्रे हो जाता है, हमारा मेकअप बहुत ऐशी लगने लगता है. वो इसलिए होता है क्योंकि हम अच्छे से कंसील नहीं करते हैं. इसलिए कंसीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हाइल यू डूइंग अ मेकअप. सो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो यूज़ दिस ऑरेंज कंसीलर, और अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी डार्क कंसीलर. सो मैं आज ऑरेंज कंसीलर ही यूज़ करूँगी. फाउंडेशन के लिए मैं ये डर्मा का D4 हाफ शेड यूज करूंगी. सो हम इस बेस को लॉक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. ब्लश अप्लाई कर लेंगे. सो अब हम अपनी आईब्रो फिल इन कर लेंगे. मस्कारा अप्लाई कर लूंगी. इट्स टोटली ऑप्शनल, इट्स ऑल अप टू यू. अगर आप लाइनर लगाना चाहते हैं यू कैन वेयर इट, और अगर आप काजल पर्सन है यू कैन यूज काजल ऑल्सो. सो अब हम अपने लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे. के लिए आई एम यूजिंग दिस इनसाइड लिपस्टिक इन द शेड मोल्टन पिंक 25. ऑप्शनल, इट्स ऑल अप टू यू. अगर आप लगाना चाहते हैं यू कैन वियर इट, अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हैं.
क्योंकि डे लुक में मैं कंसिडर नहीं करती हाईलाइटर लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और अगर आप ऑयली स्किन से बिलोंग करते हैं तो अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी कर देता है फेस को और बहुत अच्छा ही नहीं लगता अगर ऑयली स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है यू कैन वेयर इट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।